रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रहा हूँ वो है पेशावरी चरसी कढ़ाई। वही देखते हैं पेशावरी चरसी कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ की मुर्गी ले ली है जिसके इतने बड़े पीसेस बनवा लिए हैं। ये 1200 ग्राम की एक मुर्गी थी। 700 ग्राम टमाटर जिनको इस तरीके से दो हिस्सों में काट लिया है। 2 टेबल स्पून नमक, 20 से 25 मोटी कटी हुई मिर्चें जिनको इतने बड़े पीसेस में काट लिए है, और जूलियन कट अदरक गार्निशिंग के लिए। अब हम अपनी पेशावरी चरसी कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं फ्लेम ऑन करूँगा और कढ़ाई में डालूँगा 1 लीटर के करीब वेजिटेबल ऑयल। इतना तेल लेना है कि उसमें हमारी चिकन सही तरीके से फ्राई हो जाए। बाद में हम एक्सेस तेल से निकाल लेंगे। अब तेल सही तरीके से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगा चिकन। अब चिकन को तेल में सही तरीके से फ्राई करूंगा। और चिकन को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूंगा। हमारी चिकन सही तरीके से फ्राई हो चुकी है और उसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा टमाटर। और टमाटरों को चिकन के साथ एक और सही तरीके से मिक्स करेंगे। और फ्लेम लो कर दूंगा और टमाटरों को फ्राई होने दूंगा तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। टमाटरों को 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर फ्राई कर लेने के बाद इस पॉइंट पर मैं जो इसका एक्सेस तेल है वो एक अलग प्याले में निकाल लूँगा। अब जो कढ़ाई में एक्सेस तेल था वो मैंने निकाल लिया है और हम इसको एक साइड पर करके कढ़ाई पर ढक्कन रख दूँगा और टमाटर और मुर्गी को गलने के लिए छोड़ दूंगा तकरीबन 5 मिनट के लिए और फ्लेम लो कर दूंगा। कढ़ाई को ढके हुए 5 मिनट हो चुके हैं और मैं इसका ढक्कन हटाऊंगा और सारे टमाटर सही तरीके से गल चुके हैं और अब मैं इन टमाटरों की स्किन चिमटे की मदद से उतार लूंगा। टमाटरों की स्किन सही तरीके से उतार लेने के बाद अब मैं फ्लेम मीडियम करूँगा और इन तमाम टमाटरों को सही तरीके से चिकन के साथ मिक्स करूँगा इस तरीके से। मैंने कढ़ाई में टमाटर सही तरीके से मिक्स कर दिए और ये कुछ इस तरीके से दिख रही है और मैं इसमें ऐड करूँगा हरी मिर्चें और कढ़ाई को अब तेज आंच पर भूनूंगा। इस पॉइंट पर चिकन को भूनते हुए नमक चेक कर लेना है और ये चेक कर लेना है कि चिकन गल चुकी है। अगर चिकन नहीं गली है तो इसमें 1/2 कप पानी डाल के इसको 5 मिनट और ढक देना है। यहाँ पे मेरी चिकन गल चुकी है तो मैं कढ़ाई को तेज आंच पर भूनूंगा।
कढ़ाई को भूनते हुए 5 मिनट भून चुके हैं और इसी तरीके से भून चुकी है। कढ़ाई का तेल है वो ऊपर आ चुका है। तो मैं फ्लेम बंद करके कढ़ाई के ऊपर अदरक की गार्निशिंग कर दूँगी। हमारी पिशावरी जर्सी कढ़ाई रेडी है।